हे गाइस फिर से वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर अपने 4GB रैम वाले डिवाइस के अंदर विनलेटर ग्लिप्सी वर्जन टेस्ट करेंगे GTA 4 के साथ। और अगर आपके फोन में भी GT4 या GT5 में लैग देखने को मिलता है तो आज उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो ये वीडियो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है। वीडियो को देखना आप लोग शुरू से लेकर एंड तक, एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अमेजिंग वीडियो। और गाइस ये हमारा विनलेटर ग्लिप्सी वर्जन 7.1.2। सो गाइस यहां पर मैं ओल्ड डिवाइस यूज कर रहा हूं 4GB रैम वाला, और यहां पर हमने जो सेटिंग्स अप्लाई करी है वही सेटिंग्स हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर बॉक्स 64 वर्जन को 0.3.0 रखा हुआ है और बॉक्स 64 प्रीसेट को परफॉर्मेंस में सेट कर रखा है। और यहाँ पर एक बार मैं कंटेनर की सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ आपको, सेम एज इट इज सेटिंग्स रखनी है। मैंने यही सेटिंग्स आपको प्रीवियस वीडियो में बताई है, वही सेटिंग्स मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पर एडवांस सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ, शुरू के चारों कोर्स ऑफ करे हुए हैं और यहाँ पर मैंने एसेंशियल पे रखा हुआ है इसको, और बॉक्स 64 वहीं परफॉर्मेंस मोड पे रखी हुई है। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, और मैंने इस गेम का शॉर्टकट बना रखा है ऑलरेडी, तो यहीं से मैं गेम स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ आपको। और सबसे पहले तो भाइयों मैं आपको बता दूँ, रेजोल्यूशन हमने 1280x720p सेट कर रखा है इस वक्त, बट यहाँ पर ये गेम 800x600 रेजोल्यूशन में चल रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये जो मैंने गेम जहाँ से लिया है उसमें ऑलरेडी इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करी हुई है जिससे कि गेम लो से लो सेटिंग्स में चल जाए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको यार फुल ओरिजिनल गेम ही ट्राई करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आएगी रेजोल्यूशन वाली, मैंने इस रेजोल्यूशन इंक्रीज कर दिया है। और दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर जो आएगी वो ये कि यार यहाँ पर इन्होंने बहुत ही लो ग्राफिक्स कर रखे हैं इस गेम के, वो कैसे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हो हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है बट FPS काफ़ी कम आ रहे हैं, इसको हम इंक्रीज भी करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा गेम एटलीस्ट चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। 4GB रैम जैसा फ़ोन जो कि ऑलरेडी 3 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है, लगभग 4 साल होने वाले हैं इस फ़ोन को भी। तो यहाँ पर अभी हम इस सिटी के अंदर जाते हैं और देखते हैं भाई क्या यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई इस गेम के अंदर उस बंदे ने यहाँ पर प्रॉब्लम ये कर रखी है कि जो रेंडर डिस्टेंस है वो काफ़ी कम कर दिया, जिससे कि मैं आगे की ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं पा रहा हूँ, बिल्डिंग सारी गायब हो जा रही हैं और स्काई भी पूरा ब्लू हो जा रहा है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, एक भी बंदा नहीं दिख रहा, एक भी व्हीकल नहीं दिख रही। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस तरह के गेम्स आप मत ट्राई करना, आप फुल गेम ट्राई करना। और बाकी यार इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पर जो गेम है उसमें थोड़ा परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है बट उतना फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए गाइस मैं यहाँ पर अब क्या करने वाला हूँ, इसमें एक दूसरा ग्राफिक्स लगाने वाला हूँ जो कि है ENB ग्राफिक्स, जो कि मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड किया हुआ है। उससे होता क्या है, थोड़ा लैग भी इम्प्रूव हो जाता है और ग्राफिक्स भी बेटर हो जाते हैं गाइस, सच में बहुत बेटर हो जाते हैं। तो ये हमारा सिंपल ENB ग्राफिक्स है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सिंपली सारी फाइल्स को सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पर कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद सिंपली अपने गेम की फाइल के अंदर आपको सिंपली पेस्ट कर देना है, देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट अप्लाई ऑल करके रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। इतना सिंपल होता है इसको इंस्टॉल करना, और उसके बाद आप इसे फिर से ट्राई कर सकते हो। तो शॉर्टकट में मैं एक बार फिर से गेम चला लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो गाइस ये जो गेम हम चला रहे हैं ENB ग्राफिक्स से चला रहे हैं, इसे ग्राफिक्स काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं बट जो उसके प्रीवियस ग्राफिक्स हैं, प्रीवियस सेटिंग्स हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी जो बिल्कुल ज़ीरो है, वो अभी तक यहाँ पर है। तो इसलिए गाइस ये गेम मत ट्राई करना यार, इससे गेम बहुत ही बेकार हो जाता है। और आप देख सकते हो भाई ENB लगाने से थोड़ा ना FPS इंप्रूव हुए हैं, भले ही आपको यहाँ पर FPS 10 के अराउंड ही दिखा रहा है बट गेम प्ले में आपको स्मूथनेस एक्चुअल में फील होने वाला है। बट इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो यार एकदम बटरी स्मूथ गेम प्ले हो जाए आपका, बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आप एक सिंपल सी सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो। वो ये है कि आपको अपने विनलेटर एमुलेटर और गेम की सेटिंग्स में दोनों के रेजोल्यूशन 800x600 कर देने हैं, उससे यार ऑब्वियसली गेम की स्क्रीन तो काफी कम हो जाएगी लेकिन गेम आपका बिल्कुल स्मूथ होने वाला है। वो अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ इसका प्रूफ कि यहाँ पर आपको कितने इंप्रूव्ड FPS देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो हम 800x600 रेजोल्यूशन में इसे चला रहे हैं और अभी FPS हमें 15 से लेकर 17 से लेकर 20 तक हमें मैक्स टू मैक्स FPS यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि यार मोर देन इनफ है इम्यूलेटर गेमिंग के लिए। आप इजिली इसे चला सकते हो, एकदम स्मूथनेस आप फील कर सकते हो, बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी यहाँ पर इशू नहीं आ रहा। बस यहाँ पर गेम की कुछ प्रॉब्लम चल रही है मेरे इस पर्टिकुलर गेम की, यहाँ पर इन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी और भाई व्यूइंग डिस्टेंस को बिल्कुल कम कर दिया है। और सेटिंग्स से भी मैं अगर इसे चेंज करता हूं तो कोई फर्क देखने को नहीं मिल रहा, ये पूरी तरह से गेम को ही इन्होंने कुछ सेटिंग कर दी है अंदर से ही। तो आपको भाई फुल वाला गेम ट्राई करना है जब भी करना है, जो फुल साइज का होता है। मैंने कंप्रेस के चक्कर में इस तरह का गेम यहाँ पर कर लिया है तो उससे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी यहाँ पर बंदे नहीं दिख रहे, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगा जो ओरिजिनल गेम के साथ यहाँ पर कैसी परफॉर्मेंस मिलती है। बाकी ओवरऑल आप देख ही सकते हो भाई बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ग्राफिक्स भी काफी इंप्रूव हो गए ENB से और रेजोल्यूशन कम करने से FPS भी इंप्रूव हो चुके हैं। सो यार गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपको आज के वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, सायोनारा।